नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, तुम दुनिया में राज करने के लिए पैदा हुए हो। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि आप सभी का कर्म इतना निश्चल है कि इस दुनिया में आपकी राशि के जातक बिल्कुल ही राज करने के लिए ही पैदा होते हैं। जी हाँ दोस्तों, और यह घटना अब आप सभी के जीवन काल में प्रारंभ होने जा रही है आज शाम के 6:49 के उपरांत। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि आज शाम से यह घटना क्यों प्रारंभ हो रही है। दोस्तों, हम आप सभी को यह बात बताना चाहेंगे कि जिस भी व्यक्ति के जन्मकाल में उनका कर्म का फल मिलने का होता है तो दोस्तों ईश्वर उन्हें कोई ना कोई संकेत अवश्य देते हैं। जी दोस्तों, और जिस भी जीवन काल में किसी भी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा दुखों का सामना करना पड़ रहा हो, बहुत ही परीक्षाएँ देनी पड़ रही हो, तो दोस्तों यकीन मानिए उनके जन्मकाल में ईश्वर एक दिन उनको इतना देते हैं कि वह संभाल नहीं पाते हैं। जी हाँ दोस्तों, और यह समय से आप सभी के जो कर्म हैं उनका फल आप सभी को प्राप्त होने वाले हैं। एक प्रकार से कहें कि अब आप दुनिया में राज करने वाले हो। जी हाँ दोस्तों, आपका ही बोलबाला हर जगहों पर अब होने वाला है। कुछ ऐसी ग्रहों की स्थिति आज शाम से आप सभी की राशि पर बनने वाली है, आप सभी की कुंडली पर बनने वाली है, जिनके कारण दोस्तों आप देखते ही देखते अपने जिंदगी को उन लेवल पर पाएंगे जहां पर दोस्तों आपने कभी सोचे भी नहीं थे। जी दोस्तों, आप सभी का जीवन 0 से लेकर 100 तक का सफर आज शाम से शुरू करने वाली है। जी दोस्तों, बस हम आप सभी को यह बात बता दें कि भूल कर भी आप आज के इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा। जी दोस्तों, सिर्फ एक बार इस वीडियो को आप अंत तक देख लीजिए। दोस्तों, इस वीडियो में आपको वह ज्ञान प्राप्त होने वाले हैं जो कि संपूर्ण जीवन के लिए आपके बहुत ज़्यादा भाग्यशाली होंगे। हर एक कदम में यह बातें आप सभी को बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। तो दोस्तों, हर एक बात को आपको ध्यान से सुनना है, चाहे आपको अपने दुश्मन से बचना हो, चाहे आप कोई गलती कर रहे हो उनसे बचना हो, या फिर कोई ऐसा कार्य करना हो जिनमें आपको लाभ हो। दोस्तों, हर एक बातें सर्वगुण संपन्न तरीके से आपको इस वीडियो में बताई गई है, जो कि आपके ग्रहों के आकलन करने के उपरांत और आपके आने वाले भविष्य फल, आपके जो भी ग्रह गोचर है सभी को देखते हुए दोस्तों इस वीडियो का निर्माण किया गया है, और हर एक बात हर एक उपाय आपके लिए बेहद ही लाभकारी साबित होंगे। दोस्तों, अगर आप आज के इस वीडियो को अंत तक बिल्कुल ही ध्यान से देख लेंगे तो दोस्तों हम यह चीज़ दावे के साथ कहते हैं कि दुनिया में तुम राज करने के लिए ही पैदा हुए हो। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि आज शाम से आप सभी की कुंडली में 3 बड़े राजयोग और 2 बड़े शुभ योग का निर्माण होने वाले हैं, जिनके कारण दोस्तों आप सभी की कुंडली का लेखा जोखा बदलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, यशमय महालक्ष्मी नाम का शुभ योग का प्रारंभ होने जा रहा है, जिनके कारण दोस्तों आपके कर्मों का फल आप सभी को प्राप्त होने वाले हैं। पिछले एक यशमय से आप लोग आर्थिक तंगियों को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान थे। जी हाँ दोस्तों, और यशमय अब आपका समय आ चुका है जो दोस्तों आपकी सारी आर्थिक तंगियाँ दूर कर देंगे। जी हाँ दोस्तों, यशमय गजकेशरी नाम का भी राजयोग का निर्माण होगा, आयुष्मान नाम का भी राजयोग का निर्माण होगा, और भगवान शनिदेव के शच नाम का भी योग का निर्माण होगा, जो कि दोस्तों आपके लिए बहुत ही लाभकारी साबित होंगे। और दोस्तों, यशमय शुभ योग शिव नाम का शुभ योग और दोस्तों शर्वार सिद्धि नाम का भी शुभ योग का निर्माण होगा, जो कि दोस्तों आप सभी की राशि में अब भयंकर बदलाव करने वाले हैं, जिनके कारण दोस्तों इतने सारे शुभ योग आप सभी की राशि पर बने हैं, और इन्हीं के कारण आप सभी के कर्मों में यह दर्शाता है, आपके कर्म यह दर्शाते हैं कि आपका निश्चल स्वभाव है। आप जो भी कार्य करते हैं मन लगाकर कार्य करते हैं, हमेशा अपने कार्यों से मतलब रखते हैं, ईश्वर पर आप अटूट भरोसा करते हैं, आपको यकीन होता है कि ईश्वर आपके साथ कभी भी बुरा नहीं करेंगे, या फिर आपको यह चीज़ भी यकीन होता है कि आप जो भी कर रहे हैं वो दोस्तों सबके लिए अच्छा है। जी दोस्तों, आप कभी भी किसी के प्रति बुरा नहीं सोचते हैं, और जो आपके प्रति बुरा सोचता है आप उन्हें भी कहते हैं कि ईश्वर यह चीज़ देख रहा है। जी दोस्तों, और जिनके भी जन्मकाल में ऐसे निश्चल स्वभाव होते हैं उन्हीं के जन्मकाल में ऐसे शुभ योग और एशिया राजयुग का निर्माण होता है। जी हाँ दोस्तों, और अब आप सभी के जन्मकाल में आपके राज करने के समय शुरू होने वाले हैं। एक प्रकार से कहें अब आप सभी की खुशियों के दिन शुरू होने वाले हैं। तो दोस्तों, इसी में आपको कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद ही आवश्यक होंगे। जी हाँ दोस्तों, कुछ बातों को जानना आपके लिए बेहद ही भाग्यशाली और बेहद ही लाभकारी होंगे, जो कि दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं, कुछ ज्ञान भी देने वाले हैं और कुछ उपाय भी देने वाले हैं। और जो आप सभी के जन्मकाल में आज शाम से होने वाले हैं जो भी घटनाएं, उन सभी के बारे में हम एक एक करके विस्तार से बताएंगे। दोस्तों, संपूर्ण वीडियो आपके लिए बेहद ही लाभकारी है, आप इन्हें भूल कर भी मिस मत कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, तो आइए दोस्तों बात करते हैं। सर्वप्रथम दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले
जो भी माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त हैं, भगवान शनिदेव के सच्चे भक्त हैं, दोस्तों कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्चे हृदय भाव से जय माँ लक्ष्मी जय शनिदेव जरूर लिखिएगा। और दोस्तों वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करके अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि भगवान शनिदेव और माता लक्ष्मी की असीम आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त हो, आप सभी के जन्मकाल की सारी संकट सारी समस्याएं दूर हो जाए। जी हाँ दोस्तों, तो वह दोस्तों बात करते हैं, शुरुआत करते हैं आज के एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही भाग्यशाली ज्ञान से जो कि दोस्तों हमें अपने जन्मकाल में अवश्य ध्यान में रखना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अक्सर हमारा मन बहुत बार भटक जाता है, कभी कभी सही निर्णय नहीं ले पाता है कि दोस्तों वह समय हमें कुछ ऐसे ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है या फिर हम उन ज्ञान से अनजान होते हैं जो हमें सही रास्ता दिखा दे। तो दोस्तों इसी में आपको इन बातों को ध्यान रखना बेहद ही आवश्यक है। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों बिल्कुल ही आप इन्हें ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों एक राजा ने सारी दौलत जंगल में एक तहखाने में छुपा दी। एक रोज राजा बिना बताए तहखाने में गया। उसी वक्त मंत्री वहां से निकला, खजाने का दरवाजा खुला देखकर हैरान हो गया और सोचा कि शायद कल वो दरवाजा बंद करना भूल गया होगा। उसने दरवाजा बंद कर दिया और चला गया। राजा दरवाजे के पास आया तो दरवाजा बंद था। उसने शोर किया पर वहां कोई नहीं था। राजा ने हीरों से पानी मांगा, सोने से खाना मांगा। जी हाँ दोस्तों, फिर राजा ने सारे उपाय अपनाए और वह थक गए और फिर उसने सारे हीरे मोती को बिखेर कर अपना बिस्तर बनाकर उस पर लेट गया। पत्थर से अपनी उंगली फोड़ी और खून से दीवार पर कुछ लिख दिया। उधर मंत्री खजाने को देखने आया और देखा तो राजा मरा हुआ पड़ा था। राजा ने दीवार पर लिखा हुआ था, ये दौलत पानी और खाना नहीं दे सकती, जितने हीरे पेशा इकट्ठा कर लो सब यहीं रह जाएगा, इसलिए किसी पूर्ण संत महात्मा की शरण लो और जिंदगी सत्संग सेवा शिविरण में गुजारो। जी हाँ दोस्तों, यही जीवन की ये रीत है जो राजा ने इस कहानी में बताई। तो दोस्तों आज की यह कहानी या ज्ञान अगर आपको समझ में आई हो, अगर इनमें थोड़ी सी भी सच्चाई लगी हो तो दोस्तों वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कीजिएगा और इनके लिए कमेंट बॉक्स में लिख दें जय श्री कृष्णा राधे राधे। तो आए दोस्तों इसके उपरांत अब बात करते हैं कि आज शाम से जो ग्रहों की स्थिति बनने जा रही है इनमें आपको कौन कौन सी बड़ी खुशखबरी मिलेंगी, कौन कौन सी बड़ी सफलताएँ आप सभी के जन्मकाल में आपको प्राप्त होने वाली है, साथ ही साथ दोस्तों कौन सी महत्वपूर्ण बातों का अब आपको ध्यान रखना होगा और कौन से उपाय हैं जो कि आज शाम से आपके लिए बेहद ही लाभकारी और बेहद ही भाग्यशाली साबित होंगे। तो दोस्तों वीडियो को बिल्कुल ही ध्यान से सुनिएगा। तो आइए दोस्तों बात करते हैं। दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि आज शाम से आप सभी के जन्मकाल में सकारात्मक बदलाव शुरू हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जो भी चीज़ आप सपने में सोच रहे थे उन सभी की पाने की चाह अब आपके मन में जागेगी और दोस्तों आपको एक नया रास्ता मिलेगा जिनमें आप सफलताओं की ओर कदम बढ़ाएंगे। और दोस्तों आप सभी को बता दें कि अब आपका समय अब आपका मंजिल आपसे निकट है। जी हाँ दोस्तों, जहाँ भी आप जा रहे हैं वे आपके लिए सही राह है। हम आप सभी को बता दें कि आज आपका मूड बदलता रहेगा। आप खुद ही यही नहीं सुन पाएंगे कि आप ऐसा क्यों महसूस कर रहे हैं और इस स्थिति को कैसे आप बदलें। आपके इस प्रकार के व्यवहार से दूसरे भी उलझन में रहेंगे, फिर भी किसी भी स्थिति में ईमानदार बने रहें क्योंकि इसी से आपको अपने लक्ष्य पूरे करने में मदद मिलेगी। आज सब चीज़ों को हल्के में लें और खुद को बस निरीक्षक की भूमिका तक सीमित रखें। जी हाँ दोस्तों, आपकी सेहत कुल मिलाकर अच्छी ही है लेकिन जैसे तैसे काम के मामले में आपकी जिम्मेदारियां बढ़ती जाएंगी। आपको अपने स्वास्थ्य और खाने का और अधिक ख्याल रखना होगा। अपने खाने में सब तरह के विटामिन खासकर ए ई और सी शामिल करें, इससे आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होगी। कई गिलास पानी भी पिएं। जी हाँ दोस्तों, इससे आपकी जो शरीर की वह गुणवत्ता बनी रहेगी। जी हाँ दोस्तों, इससे आपकी पानी की कमी से भी आप बच पाएंगे और सक्रिय रह पाएंगे। आप सभी को बता दें कि आज आप सामाजिक होने के बारे में सोच रहे थे लेकिन आप ऐसे किसी आदमी की ओर आकर्षित होंगे जिसकी प्राथमिकताएं और रुचियां आपसे मेल खाती है। इस नई रोमांटिक साथी के साथ आप बेहद ही खुश
महसूस होंगे। हालांकि कुछ समय के बाद आपको यह सब बकवास लगने लगेगा और आप इसे बाहर आना चाहेंगे। अभी अकेले के इस दौर में अपने पार्टनर को प्यार करने के बेहतर तरीके के बारे में सोचें। आज आप जो भी कार्य करेंगे सफलता आपकी कदम चूमेगी। अगर आप एक प्रतियोगी परीक्षा में बैठे थे तो आज आपको सकारात्मक परिणाम मिल सकता है। आज का दिन पदोन्नति या फिर अधिक जिम्मेदारी के बारे में अपने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विचार विमर्श करने के लिए समय बहुत ही अच्छा है। आपको यह समय बहुत ही अनुकूल दिन का लाभ लेने के लिए अपने सभी प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। और दोस्तों, निश्चित ही आप सफलताओं को यशमय हासिल करने वाले हैं। समय जितना अच्छा है, यशमय ईश्वर का भी आशीर्वाद साफ है। जी हाँ दोस्तों, साफ साफ के ग्रहों में जो शुभ योग का निर्माण हुआ है, महालक्ष्मी नाम का जो शुभ योग का निर्माण हुआ है, धनयोग का जो निर्माण हुआ है, और दोस्तों यशमय गजकेसरी नाम का जो योग का निर्माण हुआ है, आपके लिए बेहद ही भाग्यशाली है। साक्षात यशमय आपकी आर्थिक तंगियाँ दूर होने वाली है और धन की देवी माता लक्ष्मी की कृपा आप शिव के जिनकाल में प्राप्त होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, और हम आप शिव को बता दें कि अब आप शिव के समय में भगवान शनिदेव की जो शस नाम का योग का निर्माण हुआ है, इनके कारण दोस्तों समाज में आपका मान सम्मान, इज्जत प्रतिष्ठा सब कुछ बढ़ने वाले हैं। बस आपको क्या करना है कि अपने नियत को हमेशा सकारात्मक बनाकर रखना है। जी हाँ दोस्तों, इस दौर में जो भी इंसान अच्छे कार्य करते हैं, अच्छे कार्य करने के बावजूद भी अगर अपने नियत को गलत राह पर ले जाते हैं, किसी कहने पर चल जाते हैं, तो उनके कार्यों में विफलताएं हाथ लगनी ही होती है। और इनसे भगवान शनिदेव जो कर्म की देता है, जी दोस्तों, वह उनसे कभी भी प्रसन्न नहीं होते। हमेशा भगवान शनिदेव जो भी इंसान सकारात्मक सोच रखते हैं, सभी के प्रति सकारात्मक भाव रखते हैं, अगर सफलताएँ मिल जाए, उन पर अहंकार नहीं करते हैं, तो इसे भगवान शनिदेव बेहद ही प्रसन्न होते हैं। और दोस्तों, हम आप शिव को यह बात भी बताना चाहेंगे कि आज शाम से आप शिव के जनकाल में जो बड़ी खुशखबरी आप शिव को प्राप्त होने वाली है, जो बड़ी सफलताएं आप शिव को प्राप्त होने वाली हैं, इनसे दोस्तों आप शिव का जीवन 0 से 100 तक का सफर तय करेगी। और दोस्तों, ऐसे में आपको अपने अंदर कोई भी अहंकार की भावना बिल्कुल भी पनपने नहीं देना है। जी हाँ दोस्तों, इस बात को आप गांठ बांध कर रख लीजिए। दोस्तों, ये बातें आपके जीवन काल के लिए और आने वाले पूरा जीवन के लिए बेहद ही लाभकारी होंगे। अगर आप अपने जीवन काल में हमेशा तरक्की को प्राप्त करना चाहते हैं, हमेशा अपने जीवन काल में खुशियों को ही पाना चाहते हैं, तो कभी भी ऐसे कार्य ना करें जिनसे आपको खुद लगे कि यह कार्य गलत है, जिनसे आपके परिवार वालों को लगे कि यह कार्य गलत है। जी दोस्तों, हमेशा वह कार्य करें जो कि लोग उनकी सराहना करें। जी दोस्तों, जिनसे लोगों की भलाई हो सके, या फिर ऐसे ही कार्य करें जो आपके माता पिता की नज़रों में सर्वोपरि कार्य है। जी हाँ दोस्तों, इसके उपरांत ही हम आप सभी को बता दें कि अपने जीवन काल में धन की देवी माता लक्ष्मी को हमेशा आपको प्रसन्न रखना है। और दोस्तों, उनके लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। जैसे कि दोस्तों, धन की देवी माता लक्ष्मी का वास हमेशा स्त्रियों में माना गया है। दोस्तों, सनातन धर्म से ही यह चीज़ चला रहा है और हम सभी यह बात जानते हैं कि जो भी स्त्री है, उनमें माता लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए हमें कभी भी किसी भी स्त्री को अपमानित नहीं करना चाहिए, ना ही उनको कभी बुरा शब्द बोलना चाहिए, हम ना ही ऐसे कोई कार्य करना चाहिए जिनसे उनके दिल को ठेस पहुँचे। जी दोस्तों, अगर आप ऐसा कार्य करते हैं तो कहीं ना कहीं माता लक्ष्मी आपके जीवनकाल से रुष्ट हो चुकी होगी या फिर रुष्ट हो रही होगी, जिनसे आपको कार्यों में घाटा मिल रहे होंगे या फिर बनते बनते कार्य आपके बिगड़ रहे होंगे। जो चीज़ आप सोच रहे हैं वह चीज़ पूरा नहीं होता होगा। दोस्तों, अगर आपके जीवनकाल में ऐसे कार्य हो रहे हैं तो दोस्तों याद कीजिए, आपने कहीं ना कहीं धन की देवी माता लक्ष्मी को अपमानित किया है। जी दोस्तों, अगर आपके हाथों ऐसी गलती हो गई है तो दोस्तों इनका प्रायश्चित भी करना बहुत ही सरल है। आपको नौ कन्याओं को भोजन कराना है और उन्हें कुछ दान दक्षिणा देना है। जी दोस्तों, 9 साल से छोटी बच्चियों को आपको दान दक्षिणा देना है। ध्यान रखिएगा, अगर आप ईर्ष्या करती हैं तो दोस्तों धन की देवी माता लक्ष्मी पुनः आप शिव के जीवनकाल में प्रसन्न होंगी और आपकी गलतियों को क्षमा करेंगी। जी हाँ दोस्तों, ये बात बहुत ही सरल है और बहुत ही महत्वपूर्ण भी है। जो लोग अपने जीवनकाल में धन की देवी माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं, उनके लिए खासकर बहुत ही कारगर और बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। जी दोस्तों, इसके उपरांत ही हम आप शिव को बता दें कि आज किसी आयोजन रोमांचक यात्रा पर जाने की संभावना भी बन रही है।
जी हाँ दोस्तों, ये हो सकता है कि शहर में ही घूमना चाहें, लेकिन आपका जो विचार है खूब मज़े करने का रहेगा। और आज ऐसा भी होगा कि आप किसी करीबी के साथ होते हुए भी गिले शिकवे दूर कर सकते हैं। आपको पहले ही ऐसा रहना चाहिए था, परंतु आज सामने आने पर सब बातें साफ हो जाएंगी। आपका व्यक्तित्व काफ़ी आकर्षक है और आपको यही जादू बनाए रखना है। इसके लिए आपको बस नियमित रूप से व्यायाम करना है। आपका दिमाग भी काफ़ी तेज और सक्रिय है। आप दैनिक गतिविधियों के दौरान सावधान रहें, आपको अप्रत्याशित रूप से कोई छोटी मोटी चोट भी आ सकती है। आपका रुख अपनी लव लाइफ के प्रति काफ़ी नरम है, फिर भी आपको कई बार ऐसी स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है जहां लोगों की बातों और भावनाएं आपको सच्ची नहीं लगती। आप ऐसे लोगों से बहुत प्रभावित नहीं होंगे। ऐसे लोगों से आपको सच्चे प्यार की उम्मीद भी करनी नहीं चाहिए। हाँ, वे आपके अच्छे दोस्त ज़रूर बन सकते हैं। आज आप क्षमावान रहेंगे और उन्हें भी माफ़ करेंगे जिन्होंने आपके साथ गलत किया है, चाहे वे आपके सहकर्मी हो जिन्होंने जलन की वजह से आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, या फिर आपका क्रूर मालिक जिसने कभी भी आपकी बात नहीं सुनी और हमेशा से आपकी प्रगति में बाधा उत्पन्न की है। आपकी वित्तीय स्थिति उच्च रहेगी, हालांकि आपको लाभ के लिए जोखिम उठाने भी पड़ सकते हैं। अगर आप ऐसा कार्य करेंगे तो आपके जीवनकाल में आपको वो सफलताएँ प्राप्त होंगी जिनसे आपके छोटे वर्ग के भी व्यक्ति और बड़े वर्ग के भी व्यक्ति अचंभित रह जाएंगे। घर परिवार में आपका खुशियों का माहौल इनसे बनेगा और समाज में भी आपका एक अलग छवि बनेगी। कुछ ऐसी बड़ी सफलताएं आपके मेहनत से यश में आपको प्राप्त होने वाले हैं, जो कि दोस्तों आपके लिए बेहद ही लाइफ चेंजिंग वाला कार्य हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, इसलिए हमने आज की इस वीडियो में कहा है कि आज की इस वीडियो में आपको हम उन बातों को बताने वाले हैं जिनसे आप सभी का जीवन बदल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, और आप दुनिया में राज करने के लिए ही पैदा हुए हो। अगर आप अपने कार्यों में मेहनत करते हैं तो दोस्तों आज शाम से आप शिविर के जुनकाल में जो ग्रहों की स्थिति बनी है, ये यकीनन आप शिविर का जीवन पूरी तरह बदल देगा। जी हाँ दोस्तों, इसको दौरानी दोस्तों हम आप शिविर को बता दें कि समय जितना ही महत्वपूर्ण होता है, व्यक्ति जितना ही अच्छे कार्य करता है उतना ही उनको अपने जुनकाल में कुछ गलतियों को सुधारने में करना चाहिए। जैसे कि दोस्तों, हम जाने अनजाने में कोई कई बार ऐसी गलती करते हैं जिनका खामियाजा हमें बाद में भुगतना पड़ता है। जी दोस्तों, अगर आप कोई कार्य कर रहे हैं तो आपको सही ढंग से करना है, लापरवाही तरीके से कोई भी कार्य को नहीं करना है, और जो भी कार्य हैं उन्हें सच्चे दिल से करना है, हल्के में लेकर कोई भी कार्य नहीं करना है। और दोस्तों ध्यान रहिएगा कि कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी अनजान व्यक्ति हो या फिर आपके ही सहकर्मी व्यक्ति हो, किसी पर भी आपको आँख मूंद कर भरोसा नहीं करना है। जी दोस्तों, और साथ ही साथ आप सभी को बता दें कि अपने क्रोध पर आपको नियंत्रण रखना है। जी हाँ दोस्तों, अपने वाणी पर आपको शेम लगा कर रखना है, सभी से नए मीठे व्यवहार रखना है। दोस्तों, ऐसा अगर आप कर पाएंगे तो जो कर्म के देवता भगवान शनिदेव हैं वे आपके ऊपर हमेशा प्रसन्न रहेंगे, और धन की देवी माता लक्ष्मी भी आप सभी के जुनकाल में हमेशा प्रसन्न रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो आपको ये दो कार्य अपने जुनकाल में अब करना है। और दोस्तों, कुछ ऐसे महत्वपूर्ण उपाय भी हैं जो कि आपको अपने जुनकाल में करना है। इनसे जीवनकाल की जो भी छोटी मोटी बाधाएं हैं, जो भी नकारात्मक शक्तियां हैं जो आपके ऊपर हावी हो जाती है कभी कभी, उनसे दोस्तों आप सभी को मुक्ति मिल जाएंगी। और आपके रास्ते में आने वाली जो भी बाधाएं हैं, चाहे वह बाधाएं छोटी हो बड़ी हो, कोई भी बाधाएं हो दोस्तों, उनसे आपको मुक्ति अवश्य प्राप्त होंगी। तो दोस्तों, हमेशा व्यक्ति को अपने जीवनकाल में इन बातों का, इन उपायों को करना चाहिए, जो कि दोस्तों बहुत ही सरल है। ये कोई बड़ी उपाय नहीं है जो कि दोस्तों आप नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, अगर आप इन उपायों को कर लेंगे तो दोस्तों हम यकीन के साथ कहते हैं कि आपके जुनकाल में आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहला उपाय दोस्तों, अगर आपको बहुत ज़्यादा क्रोध आता है और मन कंट्रोल में नहीं रहता है तो आप एक चांदी की चैन गले में धारण करें। पहनने से पहले कुछ देर के लिए गंगाजल में भिगोकर गायत्री मंत्र की एक माला जाप करने के बाद ही इसे पहने। इनसे दोस्तों आप देख पाएंगे कि आपके अंदर की जो भी क्रोध की भावना है, जो भी ईर्ष्या की भावना है, वह खत्म होंगी और आपको हमेशा अच्छी सोच आएंगे। जी हाँ दोस्तों, इसको क्रांति हम आप सभी को बता दें कि जो भी व्यक्ति हर अमावस्या पर चावल की खीर बनाता है और रोटी के छोटे छोटे टुकड़े उस खीर में डाल देता है,
और उसके बाद उस रोटी को, उस खीर को कौवे के लिए रख देता है, तो उनके जुनकाल में कभी भी उनके जो पूर्वज हैं, जो पितृ हैं, उनका दुर्भाग्य नहीं प्राप्त होता है, उनको उनका दोष नहीं लगता है। दोस्तों, पितर देवता की कृपा से उनके जुनकाल में हमेशा सुख समृद्धि आती है। जी दोस्तों, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने जुनकाल में इन शिवादों को ध्यान में नहीं रखते हैं। दोस्तों, हम आप शिव को बता दें कि इस जीवन काल की गणना में व्यक्ति जीवन से लेकर मरण तक का शुभ तय करता है। अगर व्यक्ति के जीवन में कोई कसर छूट जाए तो वह मरने के बाद भी उनका जो दुर्भाग्य है, उनका जो भी दोष है, उनके पीढ़ी पर लगती है। और दोस्तों, इन्हीं कारण उनका पीढ़ी को या भोगना पड़ता है, उनके दोष को झेलना पड़ता है। और अगर आप ये कार्य करते हैं तो आपको उनके दोष से भी मुक्ति मिलेगी। कहीं ना कहीं दोस्तों, इस उपाय को आपको एक बार अवश्य करना चाहिए। जी दोस्तों, और दोस्तों दूसरा जो उपाय है, जो दोस्तों बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके जुनकाल में रोग विघ्न आते रहते हैं, पेशे अच्छे कमाते हैं, पेशे टिक नहीं पाते हैं क्योंकि कोई ना कोई रोग विघ्न बाधाएं में वह पेशे खर्ची हो जाते हैं। जी दोस्तों, ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? ऐसे में आपको श्रोतेश में अपना सिरहाना पूर्व की ओर रखना चाहिए। श्रोतेश में जो भी कमरे हैं उनमें एक कटोरी में शेंघा नमक से कुछ टुकड़े रखें। जी हाँ दोस्तों, और आप सभी को बता दें कि सेहत इनसे ठीक रहेगी और जो भी आपकी रोग विघ्न बाधाएं उनसे भी आपको मुक्ति प्राप्त होगा। एक रुपये का सिक्का रात को सिरहाने में रखकर सोएं और सुबह उठकर उसी शमशान घाट में फेंकाएं। इनसे जो भी रोग हैं और विघ्न हैं उनसे आपको मुक्ति अवश्य प्राप्त होगा। जी हाँ दोस्तों, इसके उपरांत ही लोग अक्सर अपनी दुकान या घर को बुरी नज़र से बचाने के लिए दुकान या घर के बाहर नींबू मिर्ची लगाते हैं, पर वो उस नींबू मिर्ची को सड़क पर फेंक देते हैं, जो कि गलत बात है। दुकान या घर के बाहर लगे हुए नींबू मिर्ची को कभी भी सड़क पर ना फेंकें। इसे हमेशा बहती हुई नदी या फिर किसी कुएं में डाल दें। ऐसा करने से जो भी नकारात्मक ऊर्जा आपकी दुकान घर में होती है वो कभी भी लौटकर वापस नहीं आती है और आपकी दुकान में बरकत होती है। आपके जो भी कार्य हैं उनमें आपको लाभ मिलते हैं और घर में भी सुख शांति रहती है। घर में जो भी नकारात्मक ऊर्जाएं होती है वह उनसे मुक्त हो जाती है। तो दोस्तों, ये कुछ ऐसे उपाय थे जो कि दोस्तों आपको अपने जुनकाल में अवश्य करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, जो भी जातक अपने जुनकाल में इन उपायों को करेगा उनके जुनकाल में कभी भी किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहने वाली है। हमेशा वह हर चीज़ों में जो भी चाहे चीज़ है, जो भी ख्वाहिश है, जो भी इच्छाएँ, जो भी मनोकामना है, उन्हें वह पूरा कर पाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बेहद ही भाग्यशाली था। अगर आप अंत तक देखे होंगे तो आपको हर एक बात समझ में आई होगी। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो।